नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। गणपत बप्पा मोरिया। देश भर में आज से गणेश चतुर्थी की शुभारंभ हो गई है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस दिन बेहद ही खास माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणपति के जन्मदिन के मौके पर 10 दिनों का उत्साह मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में बड़े धूमधाम से इस उत्साह को मनाया जाता है। 9 सितंबर को गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई के लाल बाग राजा का अलग ही महत्व है। हम आपको देश भर के 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देखिए किस तरीके से देश भर में धूम मची हुई है। तो मुंबई, कर्नाटक, नागपुर, उड़ीसा, रायपुर, विदिशा की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अलग अलग तरीके से श्रद्धालु अपने भगवान को घर पर स्थापित कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, कर्नाटक, नागपुर और उड़ीसा, रायपुर और विदिशा की ये तस्वीर देखिए। तो देश भर में गणेश जी की पूजा को लेकर लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस बार खास बात यह है कि पंडालों में ज़्यादा लोगों की भीड़ इसलिए भी देखी जा रही है, पिछले 2 सालों की तुलना की जाए तो कोरोना की वजह से सामूहिक तौर पर लोगों के एक जगह इकट्ठा होना मना कर दिया गया था। वही मुंबई के लाल बाग राजा की बात करें तो उनका अलग ही महत्व देखने को मिलता है। एक मान्यता है कि इस दौरान हमारे संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने लोगों से खास बातचीत की, किस तरीके की मान्यता है, कैसे लोग उत्साहित हैं, इस बातचीत के जरिए इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में आज सुबह से ही जो है लालबाग के राजा सहित मुंबई के कई जगहों पर जो है ऐसे ही भारी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं जो आकर अपने गणपति बापा के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे 2.5 साल बाद जो है आज जाकर लोग एक बार फिर बड़े धूमधाम से अपने घरों से बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है आज गणेश चतुर्थी मना सकेंगे। ऐसे में जो भावना और भक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है श्रद्धालुओं में। भारी मात्रा में जो है आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ मुंबई के हर कोने से बल्कि देश के कई कोने से जो है लोग करीब 1-1 महीने पहले की बुकिंग करके रखते हैं अपने टिकट्स की, ताकि वो फिर जो है यहाँ पर आकर लालबाग के राजा का दर्शन कर सके। आपको बता दें कि लालबाग के राजा को मन्नतों के राजा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का जो है पहले से ये भरोसा रहा है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत जो है लोगों की वो पूर्ण होती है। इस समय लालबाग का दृश्य आप देख सकते हैं, ये जो है सुबह 7 बजे का समय है और जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है भक्तों की, जो यहाँ पर सिर्फ एक झलक के लिए जो है लालबाग के राजा के एक झलक के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2.5 साल बाद जो है ये पर्व इनके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। 2.5 साल बाद आप आज लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं, क्या बोले? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि दूसरी बार आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं ये स्पेशलिटी है, तो यहाँ पर आने की क्या क्या खासियत है? यहाँ के जो कि हम जो मानता मानते हैं वो हमारी खत्म, जो हमारी पूरी होती है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सुबह से ही जो है कतार में खड़े हुए हैं और फिर भी इनके मुंह पर जो है किसी भी तरह की थकावट आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जो श्रद्धा है वो काफी ज्यादा है इस मेहनत से। क्या बोलेंगे, आज आप लालबाग के राजा का दर्शन कर रही हैं, कोरोना काल के बाद कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, कितने दिनों के बाद बाहर घूमने निकले, ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत मजा आ रहा है इसके लिए जी। क्या बोलेंगे, आज जो है फिर से एक बार लालबाग के राजा के पास खड़ी हैं आप, किस लिए, क्या मन्नतों के साथ आप आए हैं? बस बापा ने बहुत सालों बाद आज दर्शन दिए, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बस बापा अभी वापस मत जाना, ऐसा ही दर्शन देते रहना हमको है। उसी तरीके से इतने ही भव्य रूप से जो है गणेश चतुर्थी भी मनाना है, तो इस बार की गणेश चतुर्थी काफी ज्यादा जो है स्पेशल नजर आ रही है। पहला कि 2.5 साल बाद लोग कोरोना काल के बाद जो है फिर से घरों से बाहर निकलकर अपना फेस्टिवल मना पा रहे हैं, और दूसरा जिस प्रकार से राम मंदिर जो तैयार हो रहा है वही दूसरी तरफ जो है गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है,
काफी ज्यादा खुशी की बात है सभी लोगों के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी है, सभी की खुशहाली की उन्होंने कामना की है। गणेश जी की पूजा करने से लोगों की बाधाएं दूर होती हैं, इसलिए विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उन्होंने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखा, इससे हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। हमें भी अपने बुजुर्गों माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की कि गणेश चतुर्थी को भाईचारे सौहार्द के साथ मनाएं। तो ये ट्वीट है, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करता हूं और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वे गणेश चतुर्थी के पर्व को भाईचारे सौहार्द के साथ और उल्लास के साथ मनाएं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए गए गणेश मंदिर में दर्शन। बताया जा रहा है कि रातानाड़ा पहाड़ी पर गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्दशी की शुभकामना दी। रातानाड़ा गणेश मंदिर जोधपुर में पहुंचे और ये प्रमुख मंदिर है जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और भगवान गणेश के सामने माथा मारा। गणेश जी का जो भाव है गणेश उत्सव के माध्यम से, तो आप सोच लीजिए कि इतना पावन विचार होता है कि लोकमान्य तिलक ने तो देश को आज़ाद करवाने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत कर दी देश के अंदर। वो गणेश जी महाराज जो है, हम लोग कहते हैं कि गरीब को गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए, ये भाव है गणेश जी के साथ में। युगों युगों तक गणेश भगवान को तो पूजते हैं, हर शुभ काम में शुरुआत ही गणेश जी से होती है। आपने देखा लाखों लोग जो है, मेरे ख्याल कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो शादी ब्याह में भी शुरुआत ही गणेश जी से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस गणेश चतुर्थी पर मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, वो फले फूले आगे बढ़े और जो भी चुनौती होती है, जो भी समस्या आती है उसका। वही गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने गणेश पूजन किया। बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर निगम मुख्यालय में गणेश जी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। अब हम आपको प्रदेश से चार अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। अजमेर, सुमेरपुर, दातारामगढ़ और फतेहपुर से ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सभी जगहों पर धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। जो चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये छह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मुंबई, कर्नाटक, नागपुर, उड़ीसा, रायपुर, विदिशा की ये तस्वीर। देश भर में भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भगवान के दर्शन के बाद अपने घर में मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के पीछे ये मान्यता है कि आज के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, जिसके बाद उनके भक्त देश भर में प्रतिमा स्थापित करते हैं और श्रद्धा के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये छह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये छह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर, माउंट आबू, टोडा भीम और भरतपुर, दातागढ़, देसूरी की यह तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। अलग अलग जगहों पर भक्त किस तरीके से भगवान का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वह इस खास मौके पर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में हमारे संवाददाता पहुंचे। देश भर से वहां आने वाले भगवान गणेश के दर्शन करने लोग वहां आते हैं। शहर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए।
देश भर में बड़े उल्लास से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेने। सबसे पहले गणेश जी महाराज के दर्शन करवाएंगे हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को। तस्वीरें देखें कि बड़े सुंदर तरीके से सोने का मुकुट पहनाकर गणेश जी महाराज को आज यहाँ पर सजाया गया है। बड़े सुंदर वस्त्र यहाँ पर गणेश जी महाराज को पहनाए गए हैं और नीचे तस्वीरें देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर जो गणेश जी महाराज को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं और देख सकते हैं कि बड़ी लंबी लाइन जो भक्तों की यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ इस मंदिर में शुरू हो गई थी क्योंकि जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है और घरों में जब भी शुभ कार्य होते हैं तो सबसे पहले यहीं पे गणेश जी महाराज को निमंत्रण दिया जाता है। कुछ भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर भक्त आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए। कब से आ रहे हैं गणेश जी के मंदिर, क्या आस्था रखते हैं? सर, मैं आस्था रखता हूँ भगवान में, बहुत आस्था रखता हूँ। मुझे 5 साल से मैं कंटिन्यू हर वेनेसडे को गणेश जी को यहाँ पे मंदिर में आता हूँ। सुबह सुबह एक मंगला आरती होती है गणेश जी महाराज की, सबसे पहले वो आरती होती है, तो क्या आप भी दर्शन करने आते हैं? जी सर बिल्कुल, कभी कभी जैसे मौका मिलता है वैसे आते हैं, नहीं तो हर वेनेसडे को हम फास्ट रखते हैं और हर गणेश जी, हर बुधवार गणेश जी आते हैं। आपको बता दें कि गणेश जी का जो मंदिर का जो लड्डू का जो प्रसाद बनता है वो भी काफी फेमस है। यहाँ का जो लड्डू का प्रसाद है, एक बार लड्डू का प्रसाद दिखाइए, काफी फेमस प्रसाद है यहाँ का। कितना पसंद है आपको और कब से मंदिर आ रहे हैं? मैं कई सालों से लगातार मंदिर में आता हूँ। गणेश जी हमेशा सबका अच्छा करते हैं और गणेश जी की प्रार्थना हम यही करते हैं कि सबका भला हो और सब प्रदेश के अंदर खुशहाली का माहौल हो। भक्त आ रहे हैं, देखिए दूर दराज से जो भक्त आ रहे हैं वो गणेश जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको एक बात और बता दें, कल का जो दिन है यानी कि 1 अक्टूबर के दिन यहाँ पर गणेश जी महाराज के चार जयपुर की चार दीवारी पर यहाँ पर भ्रमण करवाया जाएगा। जो भक्त यहाँ पे मंदिर नहीं पहुँचे हैं उनको दर्शन करवाए जाएंगे। बड़ी खूबसूरत यात्रा गणेश जी के मंदिर से यहाँ पर होती भी साफ तौर पर, जो भक्तों को जयपुर के चार दीवारी के जो भक्त है, जयपुर के जो भक्त है उनका यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। 33 करोड़ देवी देवताओं के वास कहे जाने वाले माउंट आबू में पुराणों में सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि गणेश का जन्म माउंट आबू में हुआ था। स्कंद पुराण में अलग से अर्बुद खंड है जिसमें गणेश के जन्म का प्रमाण मिलता है और कहा जाता है कि भगवान गणेश माउंट आबू में ही जन्मे थे। माउंट आबू में गणेश पॉइंट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। माउंट आबू में चारों ओर सैकड़ों की संख्या में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता अनिल की ये रिपोर्ट देखिए। माउंट आबू 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है और जिस प्रकार से गणेश के जन्म की जब बात आती है तो गणेश का जन्म माउंट आबू में हुआ था। हम बताना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, उसके अर्बुद खंड में स्पष्ट है कि गणेश जो जन्मे थे वो माउंट आबू में जन्मे थे, क्योंकि पूरी 33 करोड़ देवी देवताओं ने यहाँ की परिक्रमा की थी और कहीं ना कहीं शिव ने जो स्थापित कर जो गणेश को जन्म दिया था वो माँ पार्वती का यही स्वरूप है, गणेश का मुख्य रूप है। आप बताएं कि किस प्रकार से जो है गणेश का जन्म जो है माउंट आबू का माना जाता है और यहीं पे जो है उत्पत्ति का स्थान है। ये अर्बुदांचल है, आबू पर्वत तो इसको बदल दिया है नाम से, लेकिन यहीं पर ही देवी देवताओं का वास है 33 करोड़ देवताओं का, और जो मुख्य देवता है देवताओं के गणेश जी, उनका जन्म यहीं हुआ था। माउंट आबू में गणेश का जन्म माना जाता है, इसकी कहीं न कहीं प्रामाणिकता जो है स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है जहाँ पे माउंट आबू का अर्बुद खंड भी स्थित है। अर्बुद खंड के अंदर जो माउंट आबू का गौरी शिखर है वहीं कहीं जो माँ पार्वती के नाम से प्रसिद्ध था और कहीं न कहीं उसका अभ्रंश होके गुरु शिखर हुआ। हम यहाँ के जो प्रधान महंत हैं नरसिंह दास जी महाराज से जानना चाहेंगे कि आप बताइए महाराज जी की किस प्रकार से जो है स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। कार्तिकेय का जब जन्म हुआ नहीं समझे तो वो इनको दे दिया गया 6 महादेवियों को और उन 6 देवियों ने साउथ में ले जाके उनके 6 मुख बना दिए। एक एक मुख को अपना अपना बेटा मान के जब पार्वती जी को जो है
महात्मा माँ देवजीत महाराज से कहा कि मेरे को बेटा तो चाहिए। देश के अंदर विश्व के अंदर गणेश महोत्सव मनाया जाता हो, लेकिन माउंट आबू की जो प्राथमिकता है वो अलग है, क्योंकि कृष्ण की द्वारिका अर्ध काशी कहा जाता महादेव के लिए, और वहीं गणेश का जन्म भी माउंट आबू का है। कैमरा पर्सन सूर्यांश के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। उधर उदयपुर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति बप्पा के जयकारे लगाए गए और प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी के स्थापित प्रतिमा की गई। लोगों ने गजानन को आराध्य और भगवान को याद किया। बता दें कि पर्यावरण बचाने के लिए गोबर और मिट्टी से बने गजानन के स्थापना कर पूजा शुरू की। इस बार शहर में गणपति महोत्सव के दौरान पहले जैसी रौनक देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने अपने अपने घरों में पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की प्रतिमा स्थापित की है। पहले के मुकाबले इस बार लोगों ने घरों में मिट्टी के गणेश प्रतिमा की स्थापना की है। वहीं कई भक्तों ने खुद ही घर पर इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमा बनाकर स्थापित की है। हालांकि कोरोना के कारण लोगों ने घरों में किसी को नहीं बुलाया। हर साल गणपति ले जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है, और हिंदू शास्त्र के अनुसार देखे तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो लेके जाना बहुत जरूरी भी मानते हैं, उत्तम भी मानते हैं। हर तरीके से देखे तो मेरे राजशाही अच्छा रहता है। साल तो मैंने मेरे जिस हिसाब से मैं घर पे विराजमान करती हूँ तो छोटी ली है, और हर बार जैसे मैं छोटी लेती हूँ क्योंकि इधर उधर हमारे मेरे पति सर्विस करते हैं तो इधर उधर आना जाना रहता है, तो ज़्यादा बड़ी हम कर नहीं सकते जी। मैं 14 को विसर्जित करती हूँ, तब तक मेरे घर पे रखती हूँ, धूमधाम से मेरे से होता है इतना मैं प्रोग्राम रखती हूँ घर पे, सुबह शाम आरती होती है जी। आज हम सभी केलवा से आए हुए हैं और गणेश जी का स्वागत के लिए बजा रहे हैं, और हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी से गणपति महोत्सव को लेकर उत्साह है हमारे अंदर, और हम सभी जने आज गणपति जी लेकर स्थापित करेंगे और 14 दिन विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में भव्य जुलूस। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भक्तों से बातचीत की, भक्तों का क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस वक्त मैं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। पहले आप तस्वीरें देखिए कि ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है। आज खजराना गणेश मंदिर पर जितने भी श्रद्धालु पहुँचे हैं बप्पा का दर्शन करने, अपने मन में अपनी आस्था के साथ वो बप्पा से कई सारी मन्नतें मांगने के लिए पहुँचे हैं। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर अपने आप में ये कहा जाता है कि विशेष है, अपने आप में खास है। बप्पा न सिर्फ इंदौर बल्कि किसी राज्य या किसी शहर या किसी देश के नहीं बल्कि पूरे समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं, और आज इसी राजा के दर्शन करने के लिए पूरी प्रजा पहुंची है। 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से ये कहा जा सकता है कि उत्साह में कमी थी, जोश में कमी थी। जोश तो वैसा ही था लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज हालात कुछ और ही नज़र आते हैं। जब लोग सामने, आप देखते हैं कि सुबह से ही लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जय गणेश। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय गणेश। देखिए ये है वो भक्ति, ये है वो श्रद्धा। यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद है, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा। मैम, बप्पा के दरबार में पहुंचे हैं, अपने आप में ये कहा जाए कि इस बार आनंद कुछ और ही है पहले के मुकाबले। बहुत ज़्यादा। किसी तरह की खास मनोकामना लेके पहुंची है? बस कैरियर ऑप्शन और। कैरियर के लिए स्टूडेंट्स कहते हैं, कैरियर के लिए मैम आप क्या कहती हैं? भगवान सद्बुद्धि दे, हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे हम पर, और वो तो हमेशा साथ है ही, और यहाँ पर दर्शन करके दिल जो खुश होता है मतलब अलग ही आनंद प्राप्त मिलता है उसका। तो गणपति बप्पा के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी। खजराना गणेश मंदिर पहुंचते हैं, क्या किस तरह की अनुभूति है? अपने आप में गूज़बम्स ला देता है जब भी बाबा को देखती हूँ, अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बाबा सब कुछ है। ये आस्था है, ये श्रद्धा है। मैं मैम आपसे भी पूछ लेता हूँ, मैम कहाँ से आई आप? जी हम यहीं के हैं, खजराना के। जब खजराना गणेश मंदिर पहुँचते हैं किस तरह की अनुभूति है? अरे बिल्कुल आपको बता ही नहीं सकते कि वो मतलब
कैसी अनुभूति है, बहुत मतलब उसको शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते। आज का दिन विशेष है और पहले ये कहा जाए कि कुछ समय से हम इतने उत्साह से नहीं मना पा रहे थे, इस बार का उत्साह कैसा दिख रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये है श्रद्धा, ये है आस्था और इसी आस्था के साथ भक्तजन अपने बप्पा का दर्शन करने खजराना गणेश मंदिर इंदौर पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र रायकवार के साथ में अतिया अभिषेक, इंडिया न्यूज। तो गणपत बप्पा मौर्या, देश भर में धूम मची हुई है, भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए लाल आए थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।